तो भैया हम जिस घाट पे हैं, ये इस घाट के बारे में कुछ आप बताइए हमको। जी देखिए, सबसे पहले तो मेरा नाम कृष्णा सहानी है। मैं गंगा नदी में मतलब ये नाव चलाने का काम है हमारा। ओके तो जितने मतलब हमको भी गंगा के घाटों के बारे में नॉलेज है, जी हम आपको अभी बतलाना चाहता हूँ। जी देखिए जी, ये किला दिख रहा है आपको सामने, जी जी ये बनारस के राजा किला है। ओके जी ये काशी नरेश जी का किला है। जी इससे बड़ा वाला एक रामनगर है, जी रामनगर जो फोर्ट है रामनगर में, जी वो भी इन्हीं का है। ओके अच्छा बहुत पहले के टाइम में वो यहाँ रहते थे, कहा जी जाता है कि बहुत पहले के टाइम यहाँ रहते थे। अभी खिलाल, अभी उनका जो फैमिली है वो रामनगर फोर्ट में अभी आज के डेट में रहता है। वो अच्छा जी, तो मतलब यहाँ पे अभी कोई नहीं रहता। यहाँ पे कोई नहीं रहता है, यहाँ पे कोई शूटिंग वूटिंग वाले लोग आते हैं तो उनको ये दिया जाता है शूटिंग के लिए। अच्छा जी, तो मतलब ये किला इस्तेमाल होता है जब शूटिंग वाले आते हैं उसी टाइम, ये मतलब किला शूट करने के लिए ही मतलब परमिशन है। अच्छा जी बगल में जो ये घाट देख रहे हैं, जी लाल वाला जो ये सफ़ेद बॉर्डर है, जी जी ये पंचायती श्री निरंजनी घाट है। अच्छा जी ये नागा साधु लोग का आश्रम है। अच्छा जी और जैसे कुंभ लगता है, जी जब जी इलाहाबाद में 6 साल में एक बार कुंभ कुंभ लगता है, लगता और उसके बाद में वो लोग कुंभ में वहाँ पे इलाहाबाद में स्नान करते हैं नागा साधु लोग, जी उसके बाद फिर यहाँ पे आते हैं। तो अच्छा यहाँ पे इनका 3 अखाड़े हैं, एक निरंजनी अखाड़ा है, एक महानिर्वाणी अखाड़ा, एक जूना अखाड़ा है। अच्छा जी तीनों यहीं पे आसपास है, उधर बगल आसपास में। में ही है। तो कुंभ में वो लोग आते हैं तो यहाँ पे फिर इलाहाबाद के बाद ये बनारस में आते हैं। तो कहा जाता है कि जो मतलब कुंभ नहा लेता है उसको यहाँ पे आना पड़ता है। हाँ, ऐसा कहा जाता है। मतलब इसे इलाहाबाद में त्रिवेंगी संगम है, अच्छा जी वहाँ पे लोग कुंभ में नहाते हैं। बोला जाता है कि वहाँ पे क्या मतलब कुंभ के टाइम कुछ भी मतलब अमृत के जैसा गिरता है गंगा नदी में, तो लोग नहाते हैं। तो मतलब ये काशी है, ये बनारस है, यहाँ पे भी लोग अपना नागा साधु लोग वहाँ पे नहा करके कुंभ में फिर यहाँ पे आते हैं। तीनों आश्रम में, तीनों आश्रम ही फुल हो जाता है। यहाँ पे भी रहते हैं वो लोग 1-1.5 महीना। यहाँ पे भी बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, वहाँ पे दर्शन भी करते हैं, यहाँ पे गंगा स्नान भी करते हैं, दर्शन करके तब यहाँ से वो लोग जाते हैं। जाते हैं। तो कहना मतलब है कि यहाँ की जो घाट है यहाँ के बारे में यही मतलब महत्वपूर्ण बातें हैं। यहाँ पे बनारस में देखिए 84 घाट है, 84 घाट है। 84 घाट यहाँ पे सभी 84 घाट का अलग अलग राजा महाराजा लोग रहते थे, तो उनके नाम से मतलब घाट का नाम पड़ा ही है। अच्छा जी जैसे काशी नरेश जी का घाट है, या चेत सिंह चेत घाट के सिंह नाम घाट से ये हुआ है, चेत सिंह किला है।